कल भी मैं निवेदन कर रहा था, स्वार्थ ही कहीं ना कहीं जीवन में दुख का मूल है। स्वार्थ ही है जिसने मनुष्य को मनुष्यता से इतर कहीं और लाकर खड़ा कर दिया है। स्वार्थ ही है जिससे जीने का आस्वादन कहीं खो गया है। स्वार्थ ही है जिससे पात्रता संकुचित हो गई है। स्वार्थ ही है जो जो उर अंतर के पात्र का एकमात्र छिद्र है कि रस आता तो है पर ठहरता नहीं। भगवत सानिध्य से, कभी जप से, कभी श्रवण से, कभी कीर्तन से रसानुभूति होती तो है, लेकिन वो रसानुभूति जीवन में स्थिर नहीं रहती, क्योंकि जहां रस ठहरता है उस पात्र में एक छिद्र है, और वो छिद्र क्या है? वो छिद्र स्वार्थ है। और गोस्वामी जी महाराज अनुभव करके कहते हैं कि स्वार्थ से निस्वार्थ होना यह गुण साधन ते नहीं हुई, अर्थात ये आपके मेरे वश में नहीं है, ये प्रयास से प्राप्त हो जाए ऐसी किसी स्थिति का नाम नहीं है कि आप निस्वार्थ हो जाएं, आप निष्काम हो जाएं, कि आपके मन से ये कामना का बीज हट जाए, मिट जाए, ये आपके मेरे वश में नहीं है। और कहीं कहीं तो भक्तों ने ऐसा कहा, भगवान के भी वश में नहीं है। भगवान कामना की पूर्ति तो कर सकते हैं, लेकिन यदि किसी जीव की कामना नष्ट प्रभु को करनी हो तो फिर प्रभु उसे संत की शरण में भेजते हैं। तभी मानस कहती है, संत विशुद्ध मिलही परते ही, राम कृपा कर चितवत जेही। जा पर तुम कृपाल अनुकूला, ताहिन व्याप त्रिविध भव सूला। उसे भगवान साधु की शरण में, संत की शरण में भेजते हैं कि कहीं उद्धव को निस्वार्थ प्रेम का, निष्काम प्रीति का, निष्कपट स्नेह का दर्शन भगवान को कराना था, तो फिर भगवान ने ब्रज में भेजा कि उद्धव जाएं एक बार गोपियों का दर्शन करें कि प्रेम की किस परा अवस्था पर गोपियां अपना जीवन यापन करती हैं। प्रेम की एक ऐसी भी दशा हो सकती है, भक्ति किसी ऐसे भी परिपाक को प्राप्त हो सकती है जहां पर भक्त को अब भगवान की भी आवश्यकता नहीं रही, प्रेम ने इतना तुष्ट पुष्ट कर दिया। आप देखिए, गोपी को कृष्ण की आवश्यकता नहीं है। जब उद्धव संदेश देने गए तो गोपी यही तो कहती है कि तेरो जोग कहां राखे, यहां रोम रोम श्याम है, कि कृष्ण एक चले गए लेकिन अब तो कृष्ण के प्रेम ने हमें कुछ ऐसी विधि दे दी, कृष्ण के प्रेम ने कुछ ऐसी दृष्टि दे दी, अब तो गोपी जहां दृष्टिपात करती है उसे वहीं कृष्ण ही दिखाई पड़ते हैं, कृष्ण का ही अनुभव होता है। आठों जाम उधो, हमें श्याम ही सो काम है। तो भगवान ने चाहा कि उद्धव किसी ऐसे निष्काम प्रेम का भी दर्शन कर आए, और भगवान ने कहा यह मैं नहीं करा पाऊंगा, तो भगवान ने उद्धव को ब्रज में भेजा। तो कहीं कहीं तो संतों ने कहा, और भगवान तो अपने मुंह से बार बार कहते आए हैं, मोते अधिक संत करी लेखा। तो ये जो निष्कामता, ये जो है, ये साधन से प्राप्य नहीं है, ये गुरुजनों की, संत जनों की कृपा से, संग से, उनके संस्पर्श से, उनके संभाषण से, उनके सामीप्य सानिध्य से कहीं उपलब्ध होती है, और धीरे धीरे उपलब्ध होती है, धीरे धीरे। ये निस्वार्थता का, निष्कामता का रस धीरे धीरे आस्वादन होता है। मैंने पूर्व भी कई बार चर्चा की कि एक एक क्षण में आप निष्काम नहीं हो जाएंगे। आप प्रयास करिए, आप आगे बढ़िए, आप जीवन में देखेंगे धीरे धीरे संसार की ओर आकर्षण कम होगा। संसार के प्रति उठने वाले जो संकल्प विकल्प हैं, संसार का चिंतन करने वाले जो संकल्प हैं, वो धीरे धीरे उनकी गति कम होती जाएगी, धीरे धीरे उनकी तीव्रता कम होती चली जाएगी। इसी को मन की शांति कहते हैं। मन की अशांति क्या है? मन के संकल्प विकल्प ही मन की अशांति हैं। और उन संकल्प विकल्पों का मौन हो जाना, और संकल्प विकल्पों का मौन हो जाना क्या है? कम से कम भक्ति के पथ पर संकल्प विकल्प मौन हुए, अर्थात मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा, तुझको सौंपते क्या लागे है। समर्पण में कहीं वो मौन छिपा है,
और मौन होते होते आप समर्पित हो जाते हैं। अभी किसी ने प्रश्न पूछा है कि क्या कथा श्रवण करते करते भी मौन की अनुभूति हो सकती है। मेरा तो ऐसा अनुभव है कि मौन की और मन के मौन की प्रथम अनुभूति कभी कथा श्रवण में ही होती। पहली अनुभूति जो मौन की आपको होगी, जो मौन आपके लिए सुखद होगा, वो प्रथम अनुभूति आपको कभी श्रवण करते करते होगी। फिर इस शब्द को समझिएगा, मौन अर्थात क्या? मौन अर्थात जब मन कुछ बात ना करे। अभी तो क्या है, मन सतत बात करता है, मन सतत बोलता है, और उसी मन के शोर में आप सुन नहीं पाते जो सुनने योग्य है। मन मौन हो, जब 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 मन चुप हो जाए, कुछ ना कहे। मैंने देखा कुछ लोग नींद में भी बात करते हैं, वो नींद में भी बोलते हैं, और कुछ लोग कभी गहरी नींद में सो नहीं पाते, उनको उनको स्वप्न सताते रहते हैं, कभी अच्छे और कभी बुरे। स्वप्न क्या है? स्वप्न मन का बोलना ही है, वो बात जो वो जागृति में नहीं बोल पाया, आपने रोक दिया होगा, आपने आपने अपने इस विचार को बाधित कर दिया होगा, वो विचार जो जो मन आपकी आपकी उपस्थिति में नहीं कह पाया, वो उसने सुषुप्ति में कह दिया। तो स्वप्न क्या है? वो मन का बोलना ही है। कभी कभी मन मौन हो जाए, और मन को मौन होने के लिए कोई आश्रय चाहिए, कोई अवलंबन चाहिए। इसीलिए कल मैंने आपसे कहा था कि स्वीकार करें मन दुर्बल है, उसे कोई आश्रय, कोई सहारा चाहिए, कोई अवलंब चाहिए, सुदृढ़ हो। और वो प्रथम आश्रय, वो प्रथम भगवदीय अनुभूति आपको कभी श्रवण में ही होती है। सुनते सुनते मन मौन होने लगेगा, और ये केवल कोई प्रवचना नहीं है, ये केवल कोई सुंदर वाक्य नहीं है जो मैंने आपसे कहा है, अनुभव है, मेरा अनुभव है। कितने लोगों का अनुभव है जिन्होंने जीवन में श्रवण का आश्रय लिया है, जिन्होंने जीवन में सत्संग का सहारा लिया है, ये उन लोगों का अनुभव है कि धीरे धीरे मन मौन हुआ है, धीरे धीरे मन में संसार का आकर्षण कम होता चला जाएगा, फिर एक दिन समाप्त तो हो जाएगा, होते होते हो जाएगा। तो पहली बात की ओर मैं आऊं कि जब श्री स्वामी जी ने कहा कि हित तो कीजिए कमल नयन सो, जहां हित आगे और हित लागे फीको, तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि प्रेम केवल भगवान से ही नहीं है, संसार में भी होता है। तभी स्वामी जी ने कहा जहां हित आगे और हित लागे फीको। अब प्रेम तो दो होते नहीं, कोई उनमें गुणात्मक भेद तो नहीं है कि एक कोटि का प्रेम हो दूसरे कोटि का प्रेम हो। प्रेम तो प्रेम है। जैसे कल चर्चा हो रही थी कि गंगा का जल तो गंगा का जल है, वो जब महादेव पर चढ़ता है तो वो निर्माल्य हो जाता है, उसने महादेव का संग किया है। और वही गंगा का जल कोई मदिरा में मिला दे तो मदिरा हुआ, संग दूषित हो गया। बिल्कुल ठीक ऐसे ही प्रेम है, ठीक ऐसे ही हित है। कमल नयन से हुआ तो अनंत हो गया, अथाह हो गया, अगाध हो गया, और प्रवाहमान रहा। क्योंकि अगर इस त्रिलोक में, इस समग्र अस्तित्व में कोई ऐसा था जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, तो फिर वो तो एक ही है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। और जो वस्तु अनंत को निवेदन की जाती है वो अनंत हो जाती है। तो प्रेम अनंत हो जाए, जो अनंत को निवेदन हो। और संसार कैसा है? संसार की गति तो कुंठित है ना। मैंने पूर्व भी कहा कि संसार कैसा है कि इसमें प्रतिक्षण क्षरण हो रहा है, पल पल घट रहा है ये, पल पल आप पल पल घट रहे हैं। आपके शरीर की सुंदरता, आपका सामर्थ्य, आपका यौवन, आपका बल, आपका तेज, ओज, सभी कुछ पल पल घट रहा है। दिस माइट नॉट बी एविडेंट, हो सकता है ये स्थूल दृष्टि से दिखाई ना पड़ता हो, पर दिखाई भी पड़ता है। शरीर की जर्जरता, शरीर का दुर्बल हो जाना, शरीर का दुर्बल हो जाना, शरीर का रोग से पीड़ित हो जाना, धीरे धीरे आपके आपके रूप और यौवन का घटते चले जाना, ये क्षरण नहीं है तो क्या है?
पर कल मैंने कहा था कि संसार का सुख कैसा है, पहले मिलेगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा, फिर घटना आरंभ होगा और फिर एक स्थान पर आपको खेद में ले जाकर और उदासी में ले जाकर छोड़ देगा। ऐसे ही संसार का रूप भी है, बालक था तो कुछ और था, यौवन आया तो कुछ और वृद्धावस्था आई तो कुछ और फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो वो हित यदि कमल नयन से लगे तो फिर अनंत हो जाए, फिर अथाह हो जाए, फिर अगाध हो जाए, और संसार में लगे तो कलुषित हो जाए। जल और नीर और प्रेम बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर आप थोड़ा कभी विचार करें तो पानी और प्रेम बिल्कुल एक जैसे हैं। प्रेम भी ऐसा है कि जिससे लगे वैसा हो जाए, वस्तु में लगे तो आसक्ति हो जाए, व्यक्ति में लगे तो मोह हो जाए, भगवान में लगे तो भक्ति हो जाए, संसार को देखे तो कामना हो जाए, भगवान को देखे तो भावना हो जाए। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। प्रेम बिल्कुल ऐसा है, एक गुण और प्रेम का, जल जैसा कि जैसे जल जहां निवान देखता है वहां अपनी ओर ढुरक जाता है, ऐसे प्रेम जहां पर विनय देखता है वहां अपनी 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 ओर से बहने लगता है। एह दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। प्रेम जहां विनय देखता है, प्रेम जहां विनम्रता देखता है, प्रेम जहां सरलता देखता है, वहां उसे निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, वहां वो बिना बुलाए पहुंच जाता है। प्रथम दिन मैंने आपसे कहा था कभी कभी बिना कारण के भगवान के पास चले जाइए, आप बिना कारण के भगवान के पास जाइए, भगवान बिना बुलाए आपके मन का द्वार खटखटा देंगे, वहां पर निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। और एक और गुण जल का और प्रेम का कि जब मार्ग में अवरोध आता है, कभी आपने गिरी शिखरों से गंगा की धारा को उतरते हुए देखा हो तो मार्ग में बड़ी बड़ी चट्टानें उसका मार्ग रोकने का प्रयास करती हैं, लेकिन उसकी धारा की तीव्रता उन चट्टानों को काटती हुई अपना मार्ग बनाती है और समुद्र में जा पहुंचती है। फिर प्रेम भी ऐसा है, रोकने का प्रयास किया जाता है जब भक्तों को, कभी विष देकर और कभी भांति भांति के कष्ट देकर, पर भक्त उद्घोष करता है, राणा जी रूठे मारो काई कर लेसी, मैं तो हरी गुण गास्यारी माई। राजा जी रूठे वारो देश रखासी, हरी रूठ्या कठ जास्यारी माई। राम नाम रो सागर तिर जा सारी मई, मीरा दासी सावल गिरिधरणी, मैं तो चरण कमल लिपटा सारी मई। स्पष्ट उद्घोष किया मीरा जी ने, बालाजी मैं तो बैरागण होंगी, बालाजी मैं तो बैरागण होंगी, जिन भेस्या मारा साहेब रीज है, जिन भेस्यामारा साहेब रीज है, सोई भेस धरूंगी बैरागण होंगी, बालाजी मैं तो और तो ये स्पष्ट हुआ कि प्रेम एक ही है। और एक और विशेष बात कि प्रेम करने की योग्यता सभी में है, मनुष्य का जीवन अर्थात प्रेम करने की योग्यता। किसी के प्रेम के बिना जीवन गतिमान नहीं होता,
is the motivating factor of life, love. And when behind the motivation, the target is divine, then the life is transforming, life is turning divine. जब आपके इस गति का उद्देश्य भगवान होते हैं, फिर जीवन भी भगवदीय होता चला जाता है, फिर जीवन भी सुंदर होता चला जाता है, अगाध अबाध. पूर्व भी हम चर्चा कर रहे थे कि हमारे यहाँ के ऋषि मनीषियों की चेतना देखिए, उनकी प्रज्ञा देखिए, उनके मन की स्थिति देखिए, कि उनके मन में जब, जैसे कल किसी माता ने प्रश्न किया कि मीरा जी ने प्रणाम नहीं किया तो सरलता कैसे हुई, तो मैंने निवेदन किया था कि धर्म की परिभाषा सभी के लिए एक जैसी नहीं है. आपके मेरे लिए सुख क्या है, आपके मेरे लिए सुख क्या है, धन धान्य से भरपूर घर, सुख संपत्ति, नौकर चाकर, मान पद प्रतिष्ठा. थोड़ा और इससे आगे बढ़ जाएंगे तो किसी के लिए सुख होगा कि वो सारी सृष्टि का अधिपति हो जाए, अधिकार कर ले वो सारे संसार पर, हो सकता है उसके लिए ये सुख हो. लेकिन हमारे ऋषि मुनि जब सुख कहते हैं, संत जब सुख कहता है, एक 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 जागृत चेतना जब सुख कहती है तो क्या कहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः. उसके लिए सुख क्या है, कि सब सुखी हो जाए. महाराज रंती देव कहते श्रीमद् भागवत में, उनसे भगवान ने पूछा कि क्या चाहिए आपको, कि न काम अहम राज्य न स्वर्गम ना पुनर्भवम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि आप प्रभु प्रसन्न मुझ पर हो तो मुझे ये दीजिए कि संसार में कोई भी प्राणी दुखी ना रहे. विचार करिए, आपके आपके निकट कोई सोया है, आपको बड़ी नींद आ रही है, आप सोना चाहते हैं, आपके निकट कोई सोया है, पीड़ा से कराह रहा है, आपको लगता है कि आपके निकट कोई पीड़ा से कराहता हो तो आप सुख से सो पाएंगे, आप नहीं सो, आपको पीड़ा नहीं है, आपको पीड़ा नहीं है, लेकिन आप फिर भी सो नहीं पाएंगे. जिन लोगों ने अपनी चेतना को विस्तृत किया, उदार किया, ये बड़ा भगवदीय गुण है, उदारता, द बेनेविलेंस, सब समा जाए आपके भाव में, आपके चिंतन में, और इससे नीचे, इससे कम में सुख है नहीं, कम से कम रहने वाला सुख तो नहीं है, आने जाने वाला भला हो, कम से कम सदा रहने वाला सुख इससे कम में नहीं है. तो हमारे मनीषियों ने विचार किया कि जब तक कोई भी दुखी है तब तक सुख कहां, इसीलिए उन्होंने कहा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय. मैं तो कभी अकेला बैठा गुनगुनाऊं भी तो सुख मिलता है. अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे, कर भी कोई भूल हो ना, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का को. और इससे कम में सुख की स्थिति नहीं है. तो स्वामी जी महाराज की पंक्ति इंगित करती है कि एक प्रेम करने की सामर्थ्य सभी में है, प्रेम एक ही प्रकार का होता है, और दो, प्रभु में हो तो अनंत होता है, संसार में हो तो दूषित हो जाता है, दुख का क्लेश का कारण बनता है. विचार करिए, हुआ तो आपको प्रेम संसार में किसी से, लेकिन प्रेम के होते ही आप उल्टे भयभीत हो गए कि कहीं ये हमसे छूट ना जाए, कहीं कहीं ये वस्तु हमसे छूट ना जाए, कहीं ये व्यक्ति हमसे दूर ना हो जाए, कहीं इस संयोग का वियोग ना हो जाए. हुआ तो आपको प्रेम, आपको तो निर्भय हो जाना चाहिए था, आपको तो निश्चिंत हो जाना चाहिए था, लेकिन परिणाम देखिए बिल्कुल बिल्कुल विपरीत आ रहा है. दिस इज नॉट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लव, कि आपके जीवन में भय बढ़ गया, आपके जीवन में चिंता बढ़ गई, जैसे ही आपको प्रेम हुआ आप चिंतित हो गए, आप भयभीत हो गए कि कहीं ये हमारे हाथ से छूट ना जाए.
ये तो ऐसा हुआ कि किया तो आपने भोजन और भूख बढ़ गई आपकी, आप और भूखे हो गए। तो कहीं ना कहीं त्रुटि है इस भाव में, कहीं ना कहीं त्रुटि है इस विचार में, कहीं ना कहीं त्रुटि है। इसलिए पूर्व मैंने निवेदन किया, केवल प्रेम नहीं, आपके जीवन में केवल प्रेम हो तो आप मत समझिए कि आप सफल हो जाएंगे। भगवत प्रेम, ये प्रेम जब प्रभु से संयुक्त हो जाए, ये प्रेम जब भगवतीय भाव से युक्त हो जाए। और अब मैं आज के भाव पर आऊं, विगत दो दिनों से चर्चा हो रही है भक्तमाल के पात्रों की, भक्ति, भक्त और भगवान। प्रथम दिन चर्चा हुई भक्ति का स्वरूप और स्वभाव, कल हमने भक्तमाल का आश्रय लेकर चिंतन किया भक्त का स्वरूप और स्वभाव, और आज मैं निवेदन करूंगा भगवान का स्वरूप और स्वभाव। तो बात प्रेम की हो, और फिर प्रेम तभी प्रेम कहलाने योग्य है जब भगवत प्रेम हो, तो बड़ी सरलता है, बड़ी सहजता सुगमता यहां पर है कि प्रेम होने के लिए आवश्यकता है रूप की और गुण की। प्रेम का आरंभ होता है आकर्षण से, इन्फैक्चुएशन, अट्रैक्शन। और किसी की ओर आकर्षित होने के लिए सबसे प्रथम जो भाव चाहिए, सबसे प्रथम जो वस्तु चाहिए वो रूप, क्योंकि रूप की ओर मन का आकर्षण सहज है, सदा से है। हृदय आपसे नहीं पूछता कि अमुक व्यक्ति कौन सी जाति का है, कौन से कुल का है। यदि सुंदर है, यदि दर्शनीय है, यदि उसका रूप मनोहर है, तो एक बार तो आपकी दृष्टि, आपका मन उसकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रहेगा। रूप का सहज आकर्षण है, क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वरूप है सत्य शिव सुंदर, सत्य शिव मंगल। तो सबसे प्रथम जो आवश्यकता है प्रेम के लिए वो है रूप की। और इस भाव को लेकर यदि आप श्री कृष्ण की ओर देखेंगे तो आपको उनकी तुलना में कोई दूसरा नहीं मिलेगा, जिनका रूप कैसा है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभव। और आकर्षण स्नेह में, स्नेह प्रणय में, और प्रणय प्रेम में परिवर्तित हो जाता है जब रूप के साथ में गुण भी मिल जाए, जब जब रूप के साथ में स्वभाव भी मिल जाए, जब रूप के साथ में स्वभाव और स्वभाव की अनुकूलता भी मिल जाए, तो फिर आकर्षण परिवर्तित हो जाता है स्नेह में, स्नेह प्रणय में, और प्रणय फिर अंततः प्रेम में। और आप देखेंगे कि संसार में भी कभी आपको प्रेम हुआ तो इन्हीं दो के कारण हुआ, या तो रूप के कारण हुआ या गुण के कारण हुआ, लेकिन परिणाम अपूर्ण क्यों रहा? क्योंकि संसार का रूप जिससे आपने प्रेम किया था, वो जब आपने प्रेम किया तब तो वैसा था, लेकिन वो पश्चात वैसा नहीं रहेगा, उसे समाप्त होना है। एक बोध कथा है बड़ी सुंदर, किसी और देश की यह घटना है। एक महिला बड़ी रूपवती और कहीं बाजार में सामान खरीद रही थी, और एक व्यक्ति उसके पीछे पीछे चला ही आ रहा था उसके रूप से आकर्षित होकर। जब महिला ने उस व्यक्ति की ओर देखा तो अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। उस महिला ने कहा कि आप इस समय, ये मेरा पता है, आप इस समय मुझसे मिलने आ जाइए। तो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो गया और बताए हुए समय से पहले वो नियत स्थान पर पहुंच गया। जाते जाते कह दिया कि मैं आपके रूप से बहुत प्रभावित हूं। पहुंच गया। अच्छा, और कई बार मैं देखता हूं कि, पहले भी मैंने कहा था कि दृष्टि जो है आपकी वो प्रहार भी करती है, और दृष्टि आपकी प्रवेश भी करती है। किसी के हृदय में प्रवेश भी आप दृष्टि से पा सकते हैं, और कभी कभी आपकी दृष्टि प्रहार करती है। कभी कभी आपकी दृष्टि में एक नकारात्मकता होती है, कभी कभी आपकी दृष्टि में मन का मैल झलक जाता है आपकी दृष्टि से। सबको देखना नहीं आता, दर्शन तो बहुत आगे की विधा है, अभी तो ठीक से देखना भी नहीं आता कि किसी को देखा कैसे जाए। आपकी दृष्टि से नकारात्मकता झलकती है, द नेगेटिविटी यू आर कैरिंग इनसाइड, आपके नेत्र बता देते हैं। तो कहीं उस व्यक्ति के मन की वासना उसकी दृष्टि से छलकी, उस महिला को दया आई कि अधेड़ उम्र का व्यक्ति है और कैसा जीवन जिए जा रहा है। उस महिला को दया आई, उसने कहा कि आप अमुक स्थान पर आ जाइएगा।
वो व्यक्ति समय से पहले पहुंच गया तो घर के नौकर ने पहले जल दिया पीने को, कुछ और लेंगे नहीं, कुछ और नहीं लूंगा, बस उनसे मिलूंगा जी, वो अभी आती ही होंगी, नौकर ने कहा। और कुछ देर के बाद एक सुंदर से पात्र में कुछ लाकर मेज पर रख दिया गया। जब वस्त्र हटाया उस व्यक्ति ने तो क्या था, कुछ नकली बाल थे और एक दांतों का सेट था। कुछ क्षणों के बाद वो महिला आई जो पहले जैसी रूपवती नहीं लग रही थी, क्योंकि दोनों वस्तुएं उसके शरीर पर नहीं थी। और उस महिला ने कहा कि आप जिनसे मिलने आए थे वो तो आपके सामने रखा है, यदि आप मुझसे मिलने आए थे तो मैं आपके सामने हूं, पर मुझे लगता है कि आप मुझसे नहीं, आप इनसे मिलने के लिए आए थे और वो वस्तु आपके सामने रखी। लज्जित हो गया वो व्यक्ति, उसने बहुत क्षमा याचना की, चला गया। और निश्चित रूप से कोई ना कोई परिवर्तन आया होगा उसके जीवन में इस घटना के बाद, कि आपके मेरे मन चित्त का आकर्षण कहां है, कोई बहुत दूर तक का आकर्षण नहीं है, सबसे ऊपरी परत आपके शरीर के चर्म की यदि हट जाए ना तो मक्खी भिनभिनाने लगती है, उस पर आपको भी घृणा होती है देखकर। और यही संसार के रूप का सत्य है, जिसे आज नहीं तो कल जर्जर हो जाना है, उसे समाप्त होना है, वो मिला ही समाप्त होने के लिए है। हाँ, लेकिन यदि वृत्ति शूकर किसी हो तो आप एक और एक सुंदर पात्र में एक शूकर को 56 भोग परोस दीजिए और दूसरी ओर उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए कहीं नाली में विष्ठा खाने के लिए, वो 56 भोग नहीं खाएगा, उसकी रुचि वही है, उसकी वृत्ति वही है। तभी कल मैंने विराम के क्षणों में आपसे कहा था, अपना विश्लेषण करना सीखिए, लर्न हाउ टू एनालाइज योर ओन सेल्फ, देखिए आपका आकर्षण कहां है। जब मैं बार बार कहता हूं अनेक जनमार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते, कि अनेक जन्मों का पुण्य संचित होता है तब भगवान की ओर मन आकर्षित होता है। संसार में पड़ा मन कैसा है, वो तो संसार के रूप की ओर आकर्षित है, वो रूप जिसे समाप्त होना है। जैसे कबीर कहते हैं कि जो जोही के खेत में और सूकर खोजत कीच, गुण में अवगुण खोजें जो प्रकृति के नीच। तभी मैंने आपसे कहा कल, मैं जब मंदिर में ऊपर दर्शन करने के लिए गया तो मैं तो दर्शन कर रहा हूं और कोई इधर से आ रहा है मोबाइल लेके, कोई उधर से आ रहा है मोबाइल लेके, आपको क्या लगता है ये आपकी मेरे प्रति श्रद्धा है? आपको क्या लगता है कि श्रद्धा इतनी सस्ती, इतनी उछली और इतनी असभ्य होती है? आप यदि इसे अपना भाव कहते हैं तो कम से कम मेरे सामने तो इसका प्रदर्शन मत करिए, मुझे इस भाव की कोई आवश्यकता नहीं और भगवान को भी नहीं होती। आप इसे श्रद्धा कहते हैं, ये आपका भाव है, आपको भगवान के सामने खड़े होने की सभ्यता नहीं है। मैं तो अपने आप को साधु नहीं कहता, मैं तो अपने आप को संत नहीं कहता, आई एम नॉट अ सेंटली फिगर, मैंने तो व्यासपीठ से कितनी बार कहा मैं तो एक साधक हूं, पर फिर भी व्यासपीठ पर बैठता हूं तो कम से कम सत्य कहने का अधिकार तो मुझे यहां अपने पूर्व आचार्यों से मिला है, इसीलिए कहता हूं आपको, ये आपकी श्रद्धा नहीं है, कुछ और होगा। और कम से कम इस प्रेम के पथ पर आपकी ऐसी भावना का कोई स्थान नहीं है, आपको रूठना हो आप रूठ जाइएगा, लेकिन सत्य यही है, सत्य यही है। प्रेम व्यक्ति को इतना इतना ओछा नहीं बनाता, इतना असभ्य नहीं बनाता। बहुत बार लोगों ने मुझसे कहा, आज कल भी यहां किसी ने लिख कर दिया था कि आपने हमें नृत्य करने से मना कर दिया, कभी भाव की दृष्टि से आकर स्वयं को देखिए, आपको नृत्य करते हुए कैसा दिखाई पड़ता है। यहां थाप रुकी और वहां आपके पैर रुके, कैसा नृत्य था। खैर, हम तो अपनी बात पर आगे बढ़े कि संसार में इससे अधिक और कुछ नहीं है। यदि आप अपने प्रेम को यहां निवेदन करना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, भगवान ने तो कहा कर्मण्य वाधिकारस्ते, आपका अधिकार है, आप करिए, पर इससे ज्यादा यहां पर कुछ और है नहीं। बहुत अमूल्य, जिसका कोई मोल नहीं है,
बहुत अमूल्य सामर्थ्य है आपके पास प्रेम करने की। प्रथम दिन मैंने कहा था कि अनंत संभावनाओं में एक संभावना भगवान को पा लेने की है, जान लेने की है, उस सत्य को उपलब्ध हो जाने की है। कल मैंने